ये सदन का मैं आभारी हूं। यानी इस प्रकार के कंप्लायंसेज के बोझ में सामान्य व्यक्ति तो दब जाता है, और मैंने तो एक बार लाल किले से भी कहा था, हम जब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहते हैं, मैं दिल से मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में से जितना जल्द सरकार निकल जाए उतना ही लोकतंत्र का सामर्थ्य बढ़े। रोजमर्रा की जिंदगी में हर डगर पे एक सरकार टांग क्यों अड़ाए? हां, जो अभाव में है उसके लिए सरकार हर पल मौजूद हो, लेकिन सरकार का प्रभाव उसकी जिंदगी को ही रुकावट बना दे, ऐसी लोकतंत्र नहीं हो सकता है। और इसलिए हमारा मकसद है, सामान्य मान आत्मा को स्वीकार कर रही है, भारत के सामर्थ्य को स्वीकारने लगी है, और उसको उस यात्रा को हमें और शक्ति के साथ आगे बढ़ाना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है, कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है, हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं, और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सांसदों का जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं, और कभी कभी हमले भी इतने मजेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है, और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जो चुनौती आती है तो जरा और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में, तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है, और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी है। यह देश बुरे दिन कितने ही क्यों न गए हो, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे, ये सदन हमें वो प्रेरणा देता रहेगा, और हम सामूहिक संकल्प से, सामूहिक शक्ति से उत्तम परिणाम भारत की नौजवान पीढ़ी की आशा आकांक्षा के अनुसार करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार आपका आभार प्रकट करता हूँ, सभी माननीय सांसदों का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।